एवरीवन, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं के बायर्स क्लब यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप देख सकते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज की वीडियोस, और उसके साथ साथ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रियल स्टेट से रिलेटेड तो वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हम जो प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं वो है ओमेक्स चांदनी चौक। जैसा कि आपने देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं चांदनी चौक में शॉपिंग करने में। बेसिकली चांदनी चौक दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग शॉपिंग करने नहीं, बाहर के शहरों के लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, स्पेशली शादियों की। यहाँ पे आपको होलसेल का बहुत सारा माल मिल जाता है। यहाँ पे लोग शादियों की शॉपिंग करने आते हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग करने आते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड आपको चांदनी चौक में देखने को मिलता है। चांदनी चौक का जो पूरा फुटफॉल है एक दिन का, वो 4 से 7 लाख का होता ही होता है। और ऐसे फुटफॉल में जब इतना क्राउड आता है, वहाँ पर शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, भीड़ भाड़ में शॉपिंग करना पड़ेगा आपको। सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी खुद की रहेगी, यहाँ पे चोरी भी होने का डर रहता है। गर्मी के अंदर यहाँ पे शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसी तरीके की समस्याओं का सामना आपको वहाँ करना पड़ सकता है। अब बेसिकली क्या है, चांदनी चौक के अंदर आपके लिए इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आ चुका है, जो आ रहा है ओमेक्स चांदनी चौक के नाम से। बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स अपने लेकर आता है, ना कि सिर्फ दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में आपको ओमेक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। टॉप 10 डेवलपर्स में से एक ओमेक्स आता है। अब ओमेक्स ने चुना ये चांदनी चौक, जो दिल्ली का दिल है। जी हाँ, यहाँ आपको इतने सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कहा जाता है दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा आते हैं, इतने भारी अमाउंट में क्राउड यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की कहानी ही इतनी दिलकश है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्राउड को इकट्ठा करती है। कहा जाता है कि शाहजहां की बेटी जहानारा को खरीदारी का बहुत शौक था। जब ये बात शाहजहां को पता चली तो उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक बाजार बनवा दिया। माना जाता है कि उस समय बाजार के बीच में यमुना नदी का एक हिस्सा जाता था। यही हिस्सा चांदनी चौक का एक आकर्षण और उसके नाम की वजह बना। रात के समय चांद की चांदनी जब नदी के पानी पे पड़ती थी तो वो बहुत ही दिलकश नजारा होता था, और उसी वजह से इस बाजार का नाम चांदनी चौक रखा गया। इवन यहाँ पे स्थित बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक चीजें हैं जिसकी वजह से क्राउड यहाँ आता है, जैसे दिगंबर जैन लाल मंदिर हो गया, गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब हो गए, आपके लाल किला हो गया, जमा मस्जिद हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्राउड देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए ओमेक्स चांदनी चौक में अपने कल्चर और हेरिटेज थीम को लेकर आ रहा है चांदनी चौक मॉल में। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम्स की बात की, चांदनी चौक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने आपको बताया सोल्यूशन आपका ओमेक्स चांदनी चौक है। अगर मैं बात करूँ वॉशरूम की, यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देन उसके बाद मैं पार्किंग की बात करूँ, तो पार्किंग की तो कोई कमी ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको नीचे 3rd लेवल की पार्किंग मिल जाती है बेसमेंट में, ऊपर 3rd एंड 4th फ्लोर पे भी आपको कार पार्किंग ही मिलने वाली है। यानी कि आप पार्किंग की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, धक्का मुक्की नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा सा मॉल बनाया गया है, 4.5 एकड़ में बनाया गया है। तो आपको 4.5 एकर्स के अंदर ये मॉल मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन आपको यहाँ पे कार्स भी रन होती हुई दिख जाएगी। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो ओमेक्स चांदनी चौक मॉल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 250 मीटर के डिस्टेंस पे है, शीशगंज गुरुद्वारा 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन जस्ट आपको ओमेक्स के बैक साइड में मिल जाता है। तो मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ के एंट्रेंस पे, यानी ग्रैंड एंट्री जो आपकी होती है उस इस गेट से होती है। फ्रंट में आपको 7 गेट्स मिलते हैं और बाकी गेट्स की जो हाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 30-30 फुट की रहने वाली है, ये जो आपकी रहने वाली है ये आपकी 50 फुट ऊंची आपको ये एंट्रेंस मिलने वाली है। तो ये आपका पूरा एंट्री रहने वाला है, बहुत ही लग्जरी तरीके से एंट्रेंस आपको एंट्री आपको मिलने वाली है, बहुत ही खूबसूरत आपको आपका ग्रैंड एंट्री गेट मिलने वाला है। देन उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं तो ये हमारा मेन आपका लॉबी रहने वाला है, ये आपका एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे हमने बहुत ही खूबसूरत सा एक आपको ऊपर डोम मिल जाता है। साथ में जो इंटीरियर देख रहे हैं ये मुगल लुक से इंस्पायर्ड है, जिसे हम मुगल इंटीरियर कहते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है और बहुत ही अमेजिंग हैंडवर्क आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस साइड भी आपको एक्सीलेटर मिल जाता है, और देन उसके बाद इधर देखते हैं तो इधर साइड भी आपको एक्सीलेटर देखने को मिल जाता है।
देन उसके बाद इधर देखोगे आप 7 गेट है, 7 लॉबी मिलेगी आपको। ये आपका एंट्रेंस की लॉबी रहने वाली है जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन की गई है। अगेन आपको इंटीरियर सारा का सारा मुगल इंस्पायर्ड लुक मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा इंटीरियर देखने को। जैसा कि मैंने बताया आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा का पूरा रिटेल शॉप मिलेगा, सारे के सारे ब्रांड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इवन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड या फिर दिल्ली के ब्रांड ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जैसे तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, फूड कोर्ट में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी। तो 80% चांदनी चौक आपको अंदर देखने को मिलने वाला है। आपको फूड कोर्ट में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको पराठे वाली गली के भी बहुत सारे शॉप्स आपको फूड कोर्ट में देखने को मिलेंगे, यानी कि आप चांदनी चौक को इस मॉल के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। अब हम लेके चलते हैं आपको मॉडल की तरफ। तो ये पूरा ओमिक्स का आपका मॉडल रहने वाला है। अगर हम पास आए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आपका पूरा मेन रोड रहने वाला है। देन उसके बाद ये आपकी पूरी लॉबी रहेगी, जो कि आपकी लॉबी है इसका फ्रंट जो रहेगा वो आपका 500 मीटर फुट का रहने वाला है। फ्रंट में आपको 7 गेट्स देखने को मिलेंगी। ये जो छोटे गेट्स आपको दिख रहे हैं ये 30-30 फुट के मिल जाएंगे, और ये जो मेन आपका ग्रैंड एंट्री है ये आपकी 50 फुट की एंट्री हो जाती है। आपको 3 लेवल की पार्किंग मिल रही है। ग्राउंड और फर्स्ट पे आपका पूरा रिटेल शॉप रहेगा, सेकेंड पे आपको पूरा का पूरा फूड कोर्ट मिल जाएगा, और ये जो आप टॉप फ्लोर देख रहे हैं इस टॉप फ्लोर आपका काइट फ्लाइंग एरिया रहेगा। पीछे में आप इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जो भी मतलब इवेंट्स होती हैं वो ऊपर हो जाएगी। जो अगर हम बैक साइड की तरफ चले तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आपका पार्किंग रहने वाला है, ये आपका 3rd एंड 4th फ्लोर की पार्किंग हो जाएगी। देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये आपका मेट्रो का रहेगा, ये आपका मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप डायरेक्ट 1st फ्लोर में एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि इस मॉल के आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है मेट्रो का। ये आपका मेट्रो का एक्सेस होगा 1st फ्लोर के अंदर, यानी कि ये मेट्रो से निकले आप सीधा मॉल के अंदर एंट्री लेते हैं। इधर भी आपका पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है हमने। तो ये पूरा का पूरा मॉडल हो गया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस मॉल के बैक साइड की तरफ, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से डोम्स बन रहे हैं, इंटीरियर का काम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। तो चलिए मेरे साथ। तो ये बैक साइड हो गया आपका। तो यहाँ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर मिल जाएगा, दोनों साइड अगेन रिटेल शॉप्स मिलेंगी। और ये जो आप फॉल सीलिंग के ऊपर देखिएगा ये पूरा का पूरा हैंडवर्क है, डोम्स मिल रहे हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वर्कर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं हैंडवर्क करने में, ये पूरा पेंटिंग किया जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको पार्किंग की तरफ ले, ये जो जाता है ये आपके स्टेयर्स की तरफ जाता है नीचे, मतलब आप यहाँ से स्टेयर्स यूज कर सकते हो। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो ये आपके बेसमेंट की तरफ जाती है। तो अब हम आपको बेसमेंट भी दिखाने वाले हैं कि पार्किंग कहाँ तक रेडी हो चुका है, क्या चीज़ें बाकी हैं। और तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हम आए हैं बेसमेंट में अपने पार्किंग देखने के लिए कि कहाँ तक काम हो चुका है पार्किंग का। तो ये देख सकते हैं ये आपका बेसमेंट है, ये मैं पार्किंग में लेके आई हूँ। आप यहाँ पे 2200 से ज़्यादा कार पार्क कर सकते हो, 80+ आपका टूरिस्ट बस भी यहाँ पे पार्क हो जाता है, कोई यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये 3 लेवल्स की पार्किंग आपको बेसमेंट में, और ऊपर आपको 2 लेवल की पार्किंग मिलेगी जो आपका 3rd एंड 4th फ्लोर पे होने वाला है। तो हाँ, मैंने आपको अभी बेसमेंट भी दिखा दी है कि बेसमेंट में आपको कैसे कैसे कार पार्किंग की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसको एक तरीके से आप लग्जरी प्रोजेक्ट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है और चांदनी चौक के अंदर मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली जैसे शहर में चांदनी चौक में लोकेटेड है, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पीछे ओढ़नी ब्रांड दिख रहा होगा, आप देखोगे ओढ़नी ब्रांड है, यहाँ आपको मीना बाजार अपकमिंग दिखेगा। तो बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने आपको चांदनी चौक के अंदर जाके हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी दिखाई, और ओमिक्स चांदनी चौक प्रोजेक्ट भी दिखाया आपको। ऑलमोस्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। और ओमिक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 4.5 एकर्स में फैला हुआ है, यहाँ पे जिसने भी 2020 में इन्वेस्ट किया था उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अच्छा आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है यहाँ पे, आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना है तो आप नीचे कॉल कर सकते हैं
हैं दिए गए नंबर पे। आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टमेंट की, या अदर कोई भी इंक्वायरीज हो आपकी, आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जल्दी से कॉमेंट भी कर लीजिए कि आपको इसके अंदर क्या क्या अच्छा मिला। तो जल्दी से कॉल कीजिए जब तक मैं आपके साथ मिलती हूँ सेकेंड सीरीज के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।